हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं पोटैटो चीज़ बॉल बनाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ 6 उबले आलूओं को ग्रेट कर ली हूँ। फिर इसमें 1 कप कटा हुआ प्याज, 4 से 5 कटा हुआ मिर्चा, 1 मुट्ठी भर कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/2 कप कॉर्न, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ 100 ग्राम जितना चीज़ ली हूँ। यह चीज़ मैंने अपने घर पर ही बनाया है। ऊपर आई बटन पर जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर मैं यहाँ इसे एक छोटा सा बॉल बना ली हूँ। कोटिंग के लिए मैं यहाँ 2 कप मैदा और स्वाद अनुसार नमक 1 बाउल में डालकर फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक घोल बना ली हूँ। और थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर ली हूँ। अब सबसे पहले क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स में पोटैटो बॉल्स का पहला कोटिंग कर लेना है। फिर इसे हमें मैदा का घोल में डालकर फिर दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेना है। अच्छे से कोट हो जाने के बाद इसे धीरे से गरम तेल में डालकर 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। फिर इसे पलटकर दोबारा 10 सेकंड तक पका लेना है। याद रखें, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो इसके अंदर का चीज़ वह ज़्यादा नरम हो जाएगी और बॉल्स टूट जाएगी। तो यहाँ पोटैटो चीज़ बॉल रेडी हो चुका है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं यह कितना क्रंची हुआ है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।